बसमीम नमदन सल्ल महमद रसोल करीम ये प्रॉब्लम कॉडेचर यानी एरिया कर्ब चैप्टर से है इंटीगल कैलकुलस बुक से फाइनली होल एरिया ऑफ द कर्ब ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिजिकल टू एक्स क्यूब टू ए माइनस एक्स सबसे पहले इसे हम रफली प्लाट करेंगे देख रहे हैं कि जो कर्ब का एक है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स क्यू टू ए माइनस एक्स इसमें वाई में इवन पावर है तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसे ये एक्सिस के नीचे बनेगा अब ये ओरिजिन से जाएगा या नहीं जाएगा ये नहीं मालूम है हमको तो उसके लिए हम देखें इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है देखें इस लेफ्ट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है राइट हैंड साइड में भी देखें ये जो है ब्रैकेट ओपन होने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स की तो कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए ये पास होगा ओरिजिन से ओरिजिन से पास होगा ठीक है और एक्स इससे जाएगा और यहाँ पर देख रहे हैं कि वाई की वैल्यू अगर हम देखें वाई की वैल्यू ज़ीरो रखें तो एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी इसका मतलब यहाँ पर ये यह लूप बनेगा और लूप की लिमिट भी निकल आएगी इक्वेशन नंबर वन डाल के और हम यहाँ पर हम, अगर हम बाईिकल टू तो जीरो पुट कर दें इक्वेशन नंबर वन में तो लूप की लिमिट निकल आएगी बाई बराबर जीरो रखने पर राइट हैंड साइड जीरो और राइट हैंड साइड में एक्स क्यू और टू ए माइनस एक्स जब इसको अलग अलग ज़ीरो के बराबर रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो और टू ए मिल रही है तो ये लूप की लिमिट हो जाएगी यानी ये कर्व जो होगा एक्सेस को दो जगह पर कट करेगा एक तो ज़ीरो ज़ीरो पर और जिन पर क्योंकि एक्स बराबर ज़ीरो है और एक्स की वैल्यू टू ए पर अगर ए एक इतना माना जाए तो टू ए अगर ये है तो ये टू ए कामा ज़ीरो पर भी कट करेगा ये और कर्ब चूँकि एक्सेस के जैसे ऊपर है वैसे ही ये नीचे भी है अब हमें यह देखना होगा कि एक्स बाई एक्सिस के इस तरफ यानी एक्सिकल टू तो जीरो के इस तरफ कर्ब का पोर्शन है या एक्सिकल टू तो जो टू ए है उसके इस तरफ कर्ब का कोई पोर्शन है या नहीं यह रफ फिगर है और हम क्वेश्चन नंबर वन से वैल्यू फाइंड कर लें वाई इक्वल टू उसके लिए हम ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड में पहुंचाएंगे और फिर उसका स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स क्यू टू ए माइनस एक्स अपन ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स की फार्म में बाहर आ जाएगा ऐसे ये स्क्वायर भी ए की फार्म में बाहर आ जाएगा स्क्वायर uh, रूट के अंदर एक्स बचेगा और टू ए माइनस एक्स यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि कर्व रियल कब होगा मीन्स आ, एक्स की किस वैल्यू के लिए रियल होगा मीन्स क्या ये आ, एक्स लेस देन ज़ीरो यानी एक्स बराबर ज़ीरो बाइक्सिस पर होता है यहाँ पर और ये एक्स लेस देन जीरो का पोर्शन होता है क्या यहाँ पर कर्व है क्या एक्स की वैल्यू कोई निगेटिव हो सकती है तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स बराबर अगर हमने लिया है निगेटिव एक्स लेस देन जीरो तो ये बलू ये वाला पोर्शन तो निगेटिव होगा और ये वाला माइनस रखने पर प्लस हो जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होता है लेकिन इसका है स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव है तो इमेजिनरी होता है तो लिख देंगे इज इमेजिनरी हो जाएगा बाई इमेजिनरी हो जाएगा यानी कोई भी पोर्शन जो होगा वो इस तरफ नहीं होगा यानी एक्स बराबर ज़ीरो से लेस देन के लिए नहीं होगा अब हम देखेंगे कि टू ए से ग्रेटर क्या हो सकता है कोई तो उसके लिए एफ़ इफ़ एक्स की वैल्यू का टू ए से ग्रेटर है जैसे कि हम थ्री ए ले सकते हैं अपनी माइंड में तो यहाँ पर अगर थ्री ए रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थ्री ए जो कि पॉजिटिव होगा और यहाँ पर थ्री ए रखेंगे तो टू ए में से थ्री ए माइनस करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगी और माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं कि माइनस में आ रहा है तो निगेटिव आ रहा है तो वाई हो जाएगा अगेन वाई इज़ इमेजिनरी अगर इमेजिनरी वाई है तो फिर इस एक्सीगल टू टू ए के इस तरफ भी कर्व का कोई पोर्शन नहीं है यही पोर्शन होगा जो इसमें बनेगा जैसा कि हमसे कहा गया था कि हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द कर्व तो ये एक लूप बनेगा और लूप का एरिया निकालना है क्योंकि ये पता हो चुका है कि वाई में इवन पावर है तो एक्सेसिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ये कर्व जैसे ऊपर होगा वैसे नीचे होगा तो जितना एरिया ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा तो हम ऊपर वाला एरिया निकाल के टू से मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम कर्व को अगर बनाना चाहें यहाँ पर आ, और इससे अच्छी तरीके से अगर बनाना चाहें तो फिर बना सकते हैं लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैं हमसे पूछा गया है होल एरिया पूछा गया है तो एरिया का हम फार्मूला लगा देंगे और लिमिट पता होना चाहिए लिमिट हमको मालूम हो चुकी है ज़ीरो से लेके टू ए तक ही पोर्शन है तो कोई ज़्यादा नहीं हमने चूँकि बोला था ये कर्व हमारा रफली है तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम जो है अच्छा सा बना दे रहे हैं हालांकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पर एक्स इक्वल टू टु। टू ए लिमिट पता चल रही है आप बिना कर्व को बनाए हुए भी अपना रफली आइडिया लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कस्प है या नोट है नोट तो नहीं होगा कस्प होगा तो ये कर्व इस तरीके से बन जाएगा और यहाँ से मिलना है इसको तो नीचे लेके आना चाहिए मैं यहाँ से और जैसा ऊपर बना है ये वैसे इसको नीचे भी बना लेंगे ये रफ़ फिगर है बस हमें पता होगी इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है इसके बराबर जीरो से लेके कर टू ए तक और ये वाला एरिया निकाल के हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिख देंगे द रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए वो एरिया हो जाएगा टू टाइम्स हम सिर्फ ऊपर का एरिया निकालेंगे और टू से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये पूरा एरिया हमें मिल जाएगा तो ये एक्स इकल टू ज़ीरो और एक्स इकल एक टू एक टू ए के बीच में और एरिया का फार्मूला वाई डी एक्स होता है एरिया कर्व के लिए और वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से जो हमने सॉल्व की थी यहाँ पर तो वाई की वैल्यू ये वाली तो पुट कर देंगे यानी इक्वेशन नंबर जान टू डाल दीजिए आप तो इक्वेशन नंबर टू से वाई की वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट ज़ीरो से टू ए है वाई की वैल्यू है एक्स अपान ए और एक्स uh, टू ए माइनस एक्स डी एक्स अब यहाँ पर कुछ ऐसा सब्सिट्यूशन हम यहाँ पर पुट करेंगे जिससे हमारी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए तो इसके लिए हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखेंगे अगर हम पुट कर दें पुटिंग एक्स इजिकल टू टू ए रखें पहले तो और इसमें साइन ले लें या कॉस ले लें लेकिन उसका स्क्वायर करके इसमें रखें साइन स्क्वायेर थीटा अगर हम ऐसे इस, ऐसी वैल्यू पुट करते हैं तो फिर ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा जो भी हम यहाँ पर वेरिएबल रखेंगे लेकिन dx के लिए हमें इसे डिफ्रेंसीट करना होगा जब हम इसको डिफ्रेंसीट करेंगे तो टू ए इंटू में है कॉन्सटेंट हो जाएगा अगले पेज पर लिख रहे हैं आप पीछे से देख लीजिएगा तो x का dx हो जाएगा जैसे कि टू ए हमने बोला कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और साइन स्क्वेयर लिया था तो टू पावर आगे जाएगी डिफ्रेंसीेशन करने पर साइन स्क्वायेयर का और साइन की अभी एक पावर बचेगी लेकिन साइन का डिफ्रेंसीशन कॉस्ट ठीटा होता है तो यहाँ पर टू इंटी टू फोर ए लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस हीटा तो ये सारी वैल्यू हम रखेंगे लेकिन देखेंगे लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी तो हम इसको चेंज करके दिखा दे रहे हैं हम लोगों ने एक्स वैल्यू दी थी एक्स बराबर टू ए साइन स्क्वायर थीठा दी थी जब हम लोअर लिमिट की बात करें तो लोअर लिमिट क्योंकि ज़ीरो थी तो जब हम यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो टू ए साइन स्क्वायेर थीठा की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और फिर यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू भी फिर टू ए ज़ीरो में टू ए से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा और साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे इधर स्क्वायर रूट लगेगा ज़ीरो का ज़ीरो होता है और हम लोग जानते हैं साइन ज़ीरो की वैल्यू ही ज़ीरो होती है इसलिए तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो लोअर लिमिट ज़ीरो हो जाएगी और अगर हम अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट पीछे देख लीजिएगा वो टू ए थी, तो टू ए जब रखेंगे यहाँ पर एक्स इजिकल टू जो रिलेशन है एक्स और टी में जो हम लोगों ने अपना दिया था तो एक्स बराबर टू ए बराबर टू ए साइन स्क्वायर ठीठा तो यहाँ से टू ए से टू ए कैंसिल हो जाएगी वन टाइम्स तो साइन स्क्वायर ठीटा की वैल्यू अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वन का दूर लग जाएगी वो वन होता है और साइन की वैल्यू नाइन्टी की होती है पाई वी टू की होती है तो थीटा बराबर पाई वी टू ए हो जाएगी इसकी अपर लिमिट तो इस तरीके से जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया चल रहा था जिसको अगर हम कैपिटल ए से डिनोट कर दे तो हमें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा और हम ए बराबर लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल ए इक्वल टू कैपिटल ए इक्वल टू हो जाएगा कुछ चीज़ें तो यहाँ पर आ, बाहर भी लिखी हुई थी टू बाहर लिखा हुआ था और बाकी सारी चीज़ें लिख दें लिमिट आ गई थी, थी थीटा के जीरो से लेके पाई वाई टू तक और वहाँ पर है एक्स अपान एक्स की वैल्यू जो कि रखना है टू ए साइन स्क्वायर थीटा लिखना है अपान में ए था तो वो लिखने एक्सपान ए हो गया फिर उसके बाद स्क्वायर रूट था और एक्स की वैल्यू थी टू ए साइन स्क्वायर थीटा फिर ब्रेकेट में था टू ए माइनस एक्स एक्स की वैल्यू टू ए साइन स्क्वायर थीटा दी थी और फिर यहाँ पर इन रूट खत्म हो जाता है और डी एक्स था और डी एक्स की वैल्यू ऊपर हम लोगों ने निकाल के रखी है फोर ए साइन ढीटा इंटू कॉसिटा और थीटा का डिफ्रेंसीशन और होगा जो कि डी थीटा होगा तो यहाँ पर डी थीटा लिख लें तो ये वैल्यू लिख देंगे यानी फोर ए साइन ठीटा थीटा कॉसिटा इंटू डी ठीटा कुछ कॉन्स्टेंट है जो बाहर आ जाएंगे और देखें ए से ए कैंसिल भी हो रहा है फोर ए बाहर आएगा और ये टू यानी एट ए बाहर आएगा तो टू पहले से चल रहा था एट ए यहाँ पर बाहर आ गया इंटीग्रेशन करना है ज़ीरो से पाई बाई टू के बीच में ये साइन स्क्वायर थीटा है स्क्वायर जेड लिख दिया आपने और साइन स्क्वायर साइन की फार्म में बाहर आ जाएगा और यहाँ पर देखिए टू ए भी बाहर आएगा जो कि बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर फोर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर तो भी ये बाहर यहाँ चल ही रहा था जब टू ए बाहर लिया तो वहाँ पर वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बना है और अनरूट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और टू ए फोर ए बाहर ले चुके थे साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है डी थीटा ये हो जाएगा सिक्सटीन ए हो जाएगा लिमिट ज़ीरो से फाई बाई टू के बीच में और ये हमारा साइन की इस एक पावर को इसमें जोड़ लेते हैं तो साइन की पावर थ्री थीटा हो जाएगी और कॉस थीटा भी इसी के साथ में लिख दें और देखिए नोट से बाहर निकालेंगे खट्टा तो फिलहाल अभी ऐसे ही फोर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा लिख दें और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर ठीटा लिख दें डी थीटा ये लिख चुके थे पहले ही तो सिक्सटीन ए हो गया लिमिट ज़ीरो से पाई बाई टू लिख दें साइन स्क्वायर थीटा इन टू कॉस हीटा इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे फोर का तो टू हो जाएगा ए स्क्वायर का ए हो जाएगा ऐसे साइन स्क्वायर का साइन थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायेयर का और इन पावर्स को साइन में साइन में जोड़ देंगे और इस टू ए को बाहर ले जाएंगे तो सिक्सटीन ए में मल्टीप्लाई uh, हो जाएगा टू ए से और uh, इसमें साइन uh, की पावर ये uh, जुड़ के थ्री थीटा uh, सॉरी स्थ्री तो पहले से ही थी यहाँ पर और एक और इसमें जुड़ के साइन की पावर फोर थीटा हो जाएगी और कॉस थीटा ये और एक और ये तो कॉस इस थीटा हो जाएगा डी थीटा अब यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो आपको याद होगा या कर लेना चाहिए कि लिमिट जीरो से पाई बाई टू हो सकता है कि किसी और फार में याद हो साइन की पावर एम साइन की पावर एम थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा डी थीटा लिमिट जीरो से पाई बाई टू तो ये फार्मूला होता है उसको हमें याद रखना चाहिए तो इस फार्मूले का हम लोग अक्सर यूज़ क्या करते हैं तो ये होता है गामा एम प्लस वन बाई टू गामा एन प्लस वन बाई टू अपान टू गामा एम प्लस एन प्लस टू बाई टू तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ uh, करेंगे तो अब इस लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि सॉरी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ये एरिया चल रहा रिक्वायर्ड एरिया ये सिक्सटीन ए स्क्वायर आ जाएगा तो सॉरी थर्टी टू ए स्क्वायर आ जाएगा तो एरिया इज इक्वल टू सिक्सटीन में टू से इन करेंगे तो थर्टी टू ए स्क्वायर हो जाएगा और इस uh, में एम की जगह पर फोर है और एन की जगह पर टू है और इस लिमिट टू तो जीरो सो बाई वी टू है साइन और कॉस भी है तो इस फार्मूले का जब यूज़ करेंगे तो आएगा गामा एम की जगह पर फोर यानी फोर प्लस वन बाई टू और फिर टू प्लस वन बाई टू और अपान में टू और गामा फोर प्लस टू प्लस टू बाई टू इस फार्मूले का हमने यूज़ किया है और अब इसे सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा थर्टी टू ए स्क्वायर इन टू ये फाइव बाई टू आ जाएगा यानी गामा में फ़ाइव बाई टू और गामा में थ्री बाई टू अपान में ये टू है और इन सब को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा एट बाई टू और एट बाई टू को टू से डिवाइड करेंगे तो फोर आ जाएगा गामा फोर और गामा फैक्टोरियल में रिलेशन मालूम है गामा एन प्लस वन बराबर फैक्टोरियल एन होता है लेकिन ये तब होता है ये जब पॉजिटिव इंटीजर हो तब तो यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव इंटीजर है और इसके बाद भी पॉजिटिव इंटीजर ही आना है तो इसलिए उसको हम लिख लेंगे ये से सॉल्व करें पहले तो इसमें जो लिखा होता है इसमें से एक कम बाहर निकलता है यानी गामा अगर एन हो तो लिख लेता है इससे कम एन माइनस वन और वही यहाँ पर बचता भी है तो इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे तो फाइव बाई टू में इसे कम माइनस करते हैं सॉल्व करते हैं तो थ्री बाई टू आता है यानी यहाँ पर थ्री बाई टू आ जाएगा और थ्री बाई टू ही इसके अंदर बचेगा अभी और थ्री बाई टू यहाँ पहले से भी मौजूद है ये पहले वाले लिख दिए तो ये टू इंटू और इसको हम फैक्टोरियल थ्री में बदल देंगे एक कम हो जाता है यहाँ से तो फैक्टोरी थ्री में बदल गया और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे थर्टी टू ए स्क्वा इंटू तो थ्री टू नीचे लिख सकते हैं हम लोग या फिर हम इकट्ठा ही लिखेंगे थ्री बाई टू और चूँकि ये दोनों एक जैसे हैं तो एक साथ सॉल्व करने के लिए हम इसका होल अब स्क्वायर कर लेते हैं और फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू तो मालूम ही हम लोग वन इंटू टू इंटू थ्री होती है और चाहे तो आप टू को नीचे करके थ्री से भी कैंसिल कर सकते हैं थर्टी टू ए स्क्वायर आप मर्जी जैसे चाहें कैलकुलेशन इसको करें कर सकते हैं आप थ्री बाई टू और ये वाली चीज़ें लिख लेते हैं टू इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री और जो गामा थ्री बाई टू है उसको हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि थ्री बाई टू में से वन माइनस करेंगे तो वन बाई टू आता है तो थ्री बाई टू में से बाहर इस फार्मूले का जब हमने यूज़ किया तो यानी जो भी था उसको निकाला तो उससे कम निकलता है यानी नि वन बाई टू वन बाई टू ही इसमें बसता है और होल अब स्क्वायर इसका हो गया और ये थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा और ये टू टू जा फोर टू जा एट हो जाएगा थर्टी टू ए स्कोयर ऊपर है पान में तो एट हो गया और यहाँ पर अगर हम देखें तो वन बाई टू लिखने के बाद गामा वन बाई टू जिसका हमने प्रूफ भी किया है कि रूट पाई होता है तो यहाँ पर गामा वन बाई टू की जगह पाई रख देंगे उसका होल अब स्क्वायर और यहाँ पर थर्टी टू ए स्क्वायर अपान एट है उसका स्क्वायर करेंगे का वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर और के स्क्वेर पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा और एट फोर जरा थर्टी टू होता है थर्टी टू से थर्टी टू कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास देखने एरिया यहाँ पर हमको मिल जाएगा तो जिसमें ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर पाई आ, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर तो यहाँ पर ये एरिया कंप्लीट आ, आ चुका है तो थैंक यू वेरी मच इंडी फॉर लिसनिंग मी वावाना रब्बिल आलमीन